कांग्रेस को जूतियों पे रखता हूं। ऐसे बेतुके बातें करना छोड़ो असदुद्दीन, आप और आपका खानदान इतना था, और आज आप हजार करोड़ के घर में रहते, कौन बनाई आपको? आप खिलवत में किराए के घर में रहते थे, आज आपको दारू सलाम कौन दिया? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन दिया आपको? कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमान आगे नहीं बढ़ते, क्यों थे आप यूपीए गवर्नमेंट में 10 साल? या स्टेट में राजशेखर रेड्डी साहब के साथ क्यों थे आप? आज आप जो भाषा बात कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की भाषा बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस बोलती फिरखा परस्ती की बात? अरे कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जो गंगा जमुना तहजीब रखती, आप नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर फिरखा परस्ती कर रहे हैं आप। आज पूरी दुनिया जानती जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करे आप ऐसा काम कर रहे हैं, और आप एक बैरिस्टर है, आपको मुंह को जो आया आप नहीं बोलना, हमारे पास भी मुंह है हम बोल देंगे। तो कांग्रेस आपको मजबूत करी, आज आप ओके केसीआर के साथ है, दर पे बुला ले तो मैं मुख्यमंत्री को, अरे बाप के पास आपके पास दम है ना तो मुसलमानों को 12% दिलाओ, आपके पास दम है ना वर्क बोर्ड को जुडिशरी पावर दिलाओ। आप पूर्व में बोल रहे इत्तेजाज करो, शहर में रहकर आप करने नहीं दे रहे, परमिशन आने मिल रही, और आप कांग्रेस के ऊपर थोप रहे। केसीआर का दिल खुश करना है, नरेंद्र मोदी को खुश करना है तो आप कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। आज आप जो एमपी हलका जीत रहे किसके वजह से जीत रहे? आप जो डिलिमिटेशन करा लिए, विखराबाद तांडूर निकाल लिए, अपनी मनमानी की बाउंड्री डाल लिए, कौन मदद करे आपको? कांग्रेस ही मदद करी, और उसके बाद भी कांग्रेस जो 150 साल पुरानी पार्टी आजादी लई सो पार्टी, सिर्फ आपका आपकी अना आपका तकबुर बात कर रहा, और अना और तकबुर अल्लाह को भी पसंद नहीं आता। फिर से आपको वार्निंग दे रहे हैं हम, मेहरबानी करके आपकी जबान संभाल के बात करिए। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।